हाँ भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपका सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप फोर गेमिंग फोर अंडर 25,000 फॉर पबजी और BGMI। तो जो हमारा उल्टी गिनती हमारी फ़ोन की शुरू होती है, वो शुरू होती है अब भाई चौथे नंबर पे जो फ़ोन आता है वो, उसके बारे में बताएंगे हमारे भाई जी। तो चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा Realme 10 Pro Plus। तो ये एक ऑलराउंडर डिवाइस है जिसमें आप गेमिंग अच्छे से कर सकते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन अब हमारा भाई बताएगा। तो इसमें आपको मिलती है 6 GB की रैम भाई, 4 GB की नहीं मिलती, 4 GB भाई इस फोन, इस आगे क्या बोल रहा था मैं, हमारे मतलब आपको तो यार इसमें मिलती है हमें 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज और MediaTek Dimensity 1080 5G प्रोसेसर। बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है भाई, Realme की तरफ से कुछ नया ही आया भाई, तो फिर अच्छा है भाई ये गेमिंग के लिए। मैंने सुना है स्मूथ प्ले एक्सट्रीम जो है BGMI को चला देता है। उसमें मिलती है हमें 5000 mAh की बैटरी जो कि 5 से 6 घंटे की गेमिंग आपको आराम से कराने की। इतनी देर आप गेमिंग नहीं करोगे, अगर आप करते भी हो बैटरी डाउन हो जाती है। मिलती है आपको 67 W की फास्ट चार्जिंग जो कि आपको 30 मिनट में फुल चार्ज करके दे देगी फ़ोन। मतलब अगर टट्टी वगैरह करके आओ आपको मिलेगा फुल चार्ज। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो भाई इसका बैक कैमरा मिलता हमें 108 MP का, इससे आप और ना कि दूसरों के घरों में झांका मार सकते हैं। तो इसका साथ में मिलते हैं 8 MP के और माइक्रो 2 MP का, और फ्रंट मिलता है आपको 16 MP का। तो फिर यार जो थर्ड नंबर पे फ़ोन आता है उसका नाम है Poco F4। इसमें मिलती है हमें 6 GB की रैम, और ये फ़ोन जो है भाई Poco X3 की तरफ फटेगा नहीं जैसे पहले फट गया था। Poco X3 से तो भाई लोगों की अलग ही दुश्मनी चल रही थी, और अब इसमें मिलता है वही वाला Poco X3 वाला स्नैपड्रैगन 875G प्रोसेसर, 4500 mAh की बैटरी। तो इस फ़ोन में मिलता है हमें 120Hz AMOLED HDR10+ Full HD+ 6.7 inch का डिस्प्ले, मतलब कि गेमिंग और रंगीन दुनिया आपकी एकदम मस्त हो जाएगी। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ। फ़ोन है जो उसका नाम है Redmi K50i। इसमें हमें मिलती है 6 GB रैम, और इसमें सबसे मेन चीज़ है जो हमारा प्रोसेसर है, इस MediaTek का डेंसिटी 8100, और ये अब तक का सबसे फास्टर प्रोसेसर में से एक है। बैटरी लाइफ है 5080 mAh की बैटरी हेल्थ है इसकी। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें मिलता है का Full HD+ HDR10 144Hz का डिस्प्ले जो कि है LCD डिस्प्ले भाई। एक साइड 144Hz मिला और एक साइड मिला है LCD भाई, इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो चलता है यार। 144Hz है मतलब कि गेमिंग में आपकी सामने वाले बंदों की फट जाएगी, और ये आपका फ़ोन देगा 90 FPS निकाल के मस्त एकदम। और भाई ये फ़ोन एकदम अभी आपको लग रहा होगा भाई मैं सेकंड नंबर पर क्यों लाया हूँ, सेकंड नंबर पर इसीलिए लाया हूँ, फर्स्ट नंबर वाला फ़ोन इससे भी ज़्यादा औसम है। और भाई साहब इसकी लाइफ जो है वो कम होगी फर्स्ट नंबर वाले फ़ोन के मुकाबले, और कैमरा भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। कैमरा है 64 MP, मतलब एवरेज कैमरा है इसका पिछले वाले जो दो फ़ोन से उसके मुकाबले, क्योंकि भाई इसकी एक साइड इसका प्रोसेसर अच्छा दे दिया, बैटरी अच्छी दे दी है, और भाई डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट अच्छा दे दे, तो भाई कैमरा में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर आपको इसमें अगर मिलेगी गेमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी। तो फिर यार इस फ़ोन को हमने दूसरे नंबर पर इसलिए रखे क्योंकि इसकी औकात ही दूसरे नंबर की है। ओ भाई मारो मुझे मारो। पहले वाले फ़ोन की भाई औकात इससे बहुत ज़्यादा आगे की है भाई, इसकी औकात नहीं है भाई पहले नंबर पर जाने की। तो पहले वाले नंबर का फ़ोन के बारे में बताएंगे हमारे भाई। तो भाई जो पहले नंबर का फ़ोन है उसको सुनने के बाद चाहे तो आप मेरी तारीफ ये करोगे चाहे मुझे गालियाँ दोगे, बट हाँ मैं गालियों के नाम पे पहले भाग जाऊँगा, वैसी कोई बात नहीं है। तो पहले नंबर का जो फ़ोन है उसका नाम है iPhone 11, ठीक है भाई iPhone 11 है जो ये फ़ोन। आप सोच रहे होंगे इस लिस्ट में नंबर वन पे क्या रैंक करेगा, तो ये फ़ोन है आपका, आपको बेशक सेकेंड हैंड मिलेगा ये, बट हाँ ये आपको 2025 तक 9 लाख गेम प्ले मिलेगा। आपको पता ही है आईफोन किन चीज़ों में माहिर है, आईफोन की चीज़ें कभी ख़राब होती नहीं है जल्दी। और इसके स्पेसिफिकेशन है इसकी मिलती है 4 GB रैम, और इसका प्रोसेसर आपको पता ही है एप्पल का कितना फास्ट होता है, A13 बायोनिक चिप मिलती है आपको इसमें, और बैटरी हेल्थ इसकी होती है, बैटरी आपको इसमें मिलती है 3100 mAh की बैटरी, और ये चलती है कम से कम भी आपकी मुश्किल से मुश्किल अगर आप रगड़ा मार मार के चलाओगे तो 2 से 3 घंटे आपकी गेमिंग फुल हो जाएगी, और हो सकता है कि ज़्यादा भी चल जाए, क्योंकि भाई हमने कहा है कि अगर सेकंड हैंड लेते हो तो रगड़ा मार मार के 2 से 3 घंटे चलने को 3-4 भी चल जाएगी। ये क्या बात करता है यार। उनकी इसकी डिस्प्ले में मिलते हैं हमें लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले है ये, और इसमें आपकी आंखों को आराम मिलने वाला है जिससे आपके घर वाले आपको जूते से नहीं मारेंगे। तो भाई इसी बात पे हम चलते हैं, और इसमें AMOLED डिस्प्ले आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली, तो ये मत सोचना है कि भाई सस्ते में नहीं पड़ जाओगे, क्योंकि जो भी मिलता है औकात में मिलता है, औकात से बाहर जाओगे तो घर वालों के जूते मिलेंगे, इससे अच्छा
अच्छे बच्चे बनके सो जाओ। तो फिर जितने भी मैंने आपको फोन दिखाए हैं, ये फोन आपको दो से तीन साल अच्छी गेमिंग देने वाले हैं। जी अगर आप बोलोगे भाई T1 स्क्रीम्स वगैरह भाई कॉम्पिटेटिव खेलने, भाई फोन यार 25,000 में आप क्या लोगे यार, क्या 25,000 वाले फोन भाई कॉम्पिटेटिव नहीं खेल सकते यार, चल जाएंगे लेकिन उसके बाद नहीं चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो भाई एंड करते हैं, तब तक के लिए सयोनारा।